इंदौर से कांग्रेस प्रत्याशी अक्षय कांति बम के पार्टी छोड़कर भाजपा में जाने से अब कांग्रेस सकते में है। कांग्रेस ने अपने बाकी सभी प्रत्याशियों पर भी निगरानी बढ़ा दी है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता प्रत्याशियों से चर्चा कर रहे हैं। मध्य प्रदेश में लगातार दल बदल की सियासत देखने को मिल रही है। कांग्रेस के कई नेता पार्टी छोड़कर भाजपा में शामिल हो रहे हैं। कांग्रेस ने अब अपने प्रत्याशियों पर निगरानी बढ़ा दी है। वरिष्ठ नेता लगातार कांग्रेस प्रत्याशियों से चर्चा कर रहे हैं। वहीं दूसरी ओर बीजेपी का कहना है कि अब कांग्रेस निगरानी करके क्या करेगी। कांग्रेस को अपनी नीति और नियति में बदलाव करना चाहिए। कांग्रेस अपनी रीति और नीति को भूल चुकी है। यही कारण है कि लगातार सभी नेता पार्टी छोड़कर जा रहे हैं। ये कांग्रेस को तो निगरानी प्रत्याशियों पे नहीं, अपने नेताओं पे, नीति पे, नियत की निगरानी करना चाहिए। वो नियत जो ओबीसी का आरक्षण छीनकर अपने फेवरेट वोट बैंक को देने की है, वो नियत जो सनातन को मिटाने की, राम नाम का, राम काज का विरोध करने की, वो नियत जो संपत्ति का कानून बनाकर देश की संपत्ति लूटने की, वो नियत जो प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के वक्तव्य में झलकती है कि देश के संसाधनों पर मुसलमानों का पहला हक है, तो इस नियत की निगरानी करने की आवश्यकता है। और कांग्रेस का जो पॉलिसी पैरालिसिस है या तुष्टिकरण की राजनीति है, वही सबकी जिम्मेदार है। सर, कई कह रहे हैं कि संविधान को बदलना चाहते हैं, इसलिए प्रत्याशियों को डराया धमकाया जा रहा है, नेताओं को डराया धमकाया जा रहा है, इस तरह की बात। अच्छा, संविधान की बात कौन करता है? जिन्होंने 1975 में इमरजेंसी लगाई, संविधान का अपहरण करने का प्रयास किया। संविधान की बात वो करते हैं जिन्होंने सबसे पहले धारा 356 का उपयोग करके एम.एस. नंबूदरीपाद की सरकार गिराई, राष्ट्रपति शासन लगाया, सबसे अधिक सरकारें बर्खास्त करने का रिकॉर्ड कांग्रेस पार्टी का। तो कांग्रेस पार्टी संविधान की बात करते हैं, बाबा साहब की, जिन बाबा साहब अम्बेडकर का विरोध कांग्रेस पार्टी ने किया, 52 के चुनाव में किया, उपचुनाव में किया, नेहरू जी को जीते जी, भारत रत्न इंदिरा जी को जीते जी, भारत रत्न राजीव जी को मरने के तुरंत बाद भारत रत्न, बाबा साहब की याद किसने करी? भारतीय जनता पार्टी गठबंधन की सरकार ने। तो कांग्रेस पार्टी जिस प्रकार की धूल झोंकने का प्रयास कर रही है ना जनता जनार्दन की आंखों में, जनता इनको ऐसी धूल चटाएगी राजनीतिक रूप से कि कांग्रेस को समझ आएगा। अभी 52-53 थे, फिर 44 पे आ गए, अब उससे भी कम आने वाले। देखिए, प्रत्याशियों से तो लगातार बातचीत हो रही थी। प्रदेश अध्यक्ष जी की कल अक्षय कांति बम से बात हुई थी। अब कोई ये सोच सकता है कि प्रजातंत्र की हत्या इस तरह की जाएगी? हम किसी भी हत्या को पहले प्रिडिक्ट तो नहीं कर सकते ना कि आम जीवन में हत्याएं हो जाती हैं, तो प्रजातंत्र की हत्या को आप कैसे उम्मीद कर सकते हैं कि प्रजातंत्र का गला घोट दिया जाएगा? ये तो सरेआम गला घोटने जैसी बात हुई है। लेकिन उसके बाद में भी पहले से ही पूरे प्रदेश में हर लोकसभा के प्रभारी नियुक्त हैं, जिले लेवल पर प्रभारी नियुक्त हैं, और हमारे जो विधायक हैं और जो हमारे प्रत्याशी थे वो लगातार क्षेत्र में काम कर रहे हैं, और रोज़ाना मध्य प्रदेश के हमारे जो प्रदेश अध्यक्ष हैं और जो संगठन के लोग हैं, सुबह शाम प्रत्याशियों से बातचीत होती है, उनके चुनाव मैनेजमेंट करने वाले लोगों से बातचीत होती है, तो संवाद तो लगातार जारी है। विधानसभा चुनाव के बाद से ही कांग्रेस में भगदड़ की स्थिति है। ऐसे में देखना ये होगा कि कांग्रेस की यह कवायद कितनी लाभकारी साबित होती है। भोपाल से TV9 के लिए आमिर खान की रिपोर्ट।